गर्मी का दिन था और बाघ को बहुत जोरों की भूख लगी थी और वो खाने के तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तभी रास्ते में बाघ को एक चूहा मिलता है, लेकिन वो चूहे को नहीं मारकर खाता है क्योंकि चूहा बहुत छोटा होता है, और बाघ आगे की तरफ चलता चला जाता है। आगे जाकर बाघ को खरगोश मिलता है, लेकिन खरगोश को भी नहीं खाता क्योंकि खरगोश भी बहुत छोटा होता है। थोड़ी देर चलने के बाद ही बाघ को हिरन दिखाई देता है और वो हिरन के तरफ झपटता और दौड़ता है, लेकिन हिरन उसके कब्जे में नहीं आता, हिरन भाग जाता है। अगर आप भी भोले बाबा से करते हैं प्यार तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और आगे का स्टोरी देखिए। उसके बाद बाघ निराश होकर वापस आने लगता है और रास्ते में वो सोचता है कि मैं पहले खरगोश को खाऊंगा, लेकिन खरगोश भी वहाँ नहीं मिलता, और फिर आगे चूहा को खाने का सोचता है, लेकिन चूहा भी वहाँ नहीं मिलता। सब वहाँ से भाग जाते हैं।